पाकिस्तान की हिस्टोरिक विन और इंडिया की एपिक हार, दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन T20 वर्ल्ड कप 2022। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज थोड़ा अपना दुख जाहिर करने के लिए आई हूँ कि इंडिया हार गया। मतलब एक आपका मूड पूरी तरीके से फ्लिप हो जाता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला जो मैच है ना, ये जब तक याद रखा जाएगा तब तक इंडिया एक बिग टूर्नामेंट के अंदर एक कड़ी जीत हासिल नहीं कर लेती। माफ करिएगा मुझे, आज मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं, अदरवाइज आई एम वेरी फ्लुएंट व्हेन आई स्पीक, पर थोड़ा आपके दिल को ठेस पहुँचती है जब आपका देश ऐसे हार जाता है तो। पर कोई नहीं जी, न्यू लोज सेट न्यू हाइज, और हम और बड़े चीते की तरह पेश होंगे पूरी दुनिया के सामने। इसी सोच के साथ ये वीडियो बनाया है मैंने, जिसके अंदर एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है CBA अरसलन नसीर, वो अपना क्रिक एनालिसिस देंगे ऑन दिस मैच ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आज जब इतनी बुरी तरीके से इंडिया हारा है तो इसके बाद इनका क्या रिव्यू रहता है वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या ये भी हमारे इंडियन मीडिया के एंकर्स की तरह ही तनकीद करेंगे हमारे ही इंडियन प्लेयर्स की और उन पर गुस्सा करके दिखाएंगे? देखिए अभी मेरा दिल बहुत टूट चुका है, मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर बात कर चुकी हूँ अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ में, तो कुछ कहने को बाकी रह नहीं गया है। एंड प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, तहजीब के साथ आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, कोई गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मीम पे हंसना भी मत कि कितने आदमी थे, दोते सरकार, एलेक्स और बटलर, सो मेस्ड अप। खैर इन सब बातों को एक बार परे रख करके अपन क्रिक एनालाइजर को कॉमेडी के साथ मैश होते हुए देखना। दिस इज़ अ क्रिक कॉमेडी एपिसोड, तो हम हंसेंगे। क्या पता मेरी ये जो एंग्जाइटी है वो इस वीडियो को देखने के बाद गायब हो जाए। चलिए अब बाकी की गुफ्तगू ना इस वीडियो को देखने के बाद ही होगी। लो भाई सेकंड सेमीफाइनल हो चुका है और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। बहुत बड़ी बड़ी बातें थी इंडिया की, और मैं आपको पहले सबसे पहले मैसेज दूं अपनी CBA आर्मी को कि देखो भाई, जो नीचे गिरा हुआ होता है ना उसको तब नहीं मारते। आई नो कि हमारे बहुत ही मजाक उड़ाए गए हैं पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, जो है हर तरह से हमें जलील किया गया, लेकिन आप लोग इसमें की कोई हरकतें ना करें। वैसे भी आई नो कि बहुत से ऐसे इंडियन थे जो इस तरह सोचते नहीं है, और स्पेशली हमारी जो कम्युनिटी जो यहाँ पर बैठी हुई होती है वो बिल्कुल भी इस किस्म के लोग नहीं है। वो मुझे पूरी यकीन है कि भाई पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो कि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भी जो है सेलिब्रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान आउट हो चुका है। लेकिन कोई नहीं, इसमें टॉक्सिक लोग हर जगह के ऊपर होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उनके लेवल के ऊपर चले जाएं। लेकिन जो भी हो, बहुत ही वन साइडेड किस्म का मैच हुआ है और इंग्लैंड ने सब उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। मैं खुद ये चाहता था कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो, क्योंकि उसके अंदर जो स्पाइस आता है। लेकिन हम कब से कह रहे थे कि अरे 92 रिपीट हो रहा है, 92 रिपीट हो रहा है, अब पूरा हो भी जाएगा क्योंकि अब तो बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच गए। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि 2011 रिपीट हो रहा है, तो नहीं भाई, आप लोगों को 3-4 टांके मिल रहे होंगे, हमारे में हमें 14-15 टांके मिल चुके थे। शुरू से सारे का सारा इंडिया ये कह रहा था कि हमने न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेलना, हमने न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेलना, उसकी ये लोग तैयारी करते रहे, जो इंग्लैंड है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। और हम लोग भी यही कह रहे थे, मैं इनफैक्ट यही कह रहा था तुम लोगों से कि भाई इसको हमें नॉकआउट में ना देना, इसको खुद ही जो है डील करो। बट अब ये हो गया कि वो हमें फाइनल में मिल चुके हैं, तो फाइनल बेसिकली नॉकआउट नहीं है क्योंकि फाइनल के बाद टूर्नामेंट ही खत्म हो जाता है। नॉकआउट वो होता है जब टूर्नामेंट चल रहा होता है और बीच में साहब निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा पर्पस तो पूरा हो चुका है कि हमें ये नॉकआउट में नहीं मिले। मुझे पता था कि किस किस्म की टीम है। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो फाइनल है उसके ऊपर बारिश की प्रेडिक्शन है, और अगर अगले दिन जो रिजर्व डे है, शुक्र है कि उन्होंने रिजर्व डे रख लिया, वैसे तो बहुत ही कोई आयरन हो, इनके पास पैसों की कमी होती है इसलिए जो फौरन भगा भी। आपने नोट किया होगा कितना छोटा टूर्नामेंट है ये, मेरे ख्याल में 10-1 दिन में खत्म हो गया, इससे ज्यादा बड़ी लीग्स के मैचेस होते हैं। लेकिन जैसे ही पूल मैचेस खत्म हुए, अब आप ये देखें कि हम तो फिर भी अभी तक पहुंचे हुए हैं, तो हमारा तो अभी भी टूर्नामेंट चल रहा है। अदरवाइज आधे से ज्यादा जो है वो दुनिया का सफर खत्म हो चुका था 10-1 दिन के ही पूल मैचेस के अंदर। ये हमारा वर्ल्ड कप का स्केड्यूल था जो उन्होंने बनाया था, जो शुरू में क्वालिफायर्स बनाए हुए थे वो इतने लंबे खेच के बनाए हुए थे, उसकी कोई तुक नहीं बन रही थी, उसके अंदर जो है वो खोल खुल के कर लेते। एक दिन के अंदर 3-3 मैचेस भी उन्होंने रखे हुए थे जो कि आराम से 1.5 से 2 दिन के ऊपर हो सकते थे। लेकिन खैर इन लोगों को ज्यादा पता होगा, पता नहीं किसी से पैसे जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो भी हो, इन्होंने एक रिजर्व डे रखा हुआ था फाइनल के लिए, और अगर तो रिजर्व डे के ऊपर भी बारिश हो जाती तो फिर ये ट्रॉफी हो जाती शेयर। तो इनको पता था कि यार ट्रॉफी तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में शेयर कर दी जाए तो इन्होंने तो उसको भी तोड़ के जो है 2 टुकड़े कर देना है। तो पाकिस्तान और इंडिया का तो फाइनल हो नहीं सकता। खैर अभी शर्मा और जितने भी इनके प्लेयर्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और वो दोबारा फिट हो जाएंगे IPL के लिए। जितने भी मैच होंगे उसके अंदर किसी को कमर में दर्द हो रही होगी, किसी के सर में दर्द शुरू हो रही होगी, और IPL के जो फुल तैयार होकर आ जाएंगे। मैं तो पहले भी कहा था कि IPL का नाम ही वर्ल्ड कप रख लो, क्योंकि शर्मा ने पिछले भी ये कह दिया था कि जो बायलैटरल सीरीज होती है ना, जो एक एक कंट्री की हो रही होती है वो हम खेल लेते हैं, ये जो जिसमें ज्यादा कंट्रीज आती है हम उसका मजा नहीं आता, हमें पता नहीं होता कि कौन सा ऑपोजिशन
कंपटीशन अब आ रहा है और ये हो रहा है वो रहा, तुम सही तरीके से प्लान नहीं कर सकते। तो यार इसी तरह किया करो, बायलैटरल सीरीज ही कर लिया करो, उसके अंदर जो भी जीत जाए ना उसको बस वर्ल्ड चैंपियन कह दिया करो। किसी ने क्या पूछना है यार, अपने टूर्नामेंट बनाओ, अपने नाम रखो और जीते जाओ। मैंने देखा पिछले वीडियो के अंदर भी कुछ ये बात की थी कि इंडिया ने कोई इतना खास क्रिकेट खेला नहीं है, हमारे साथ भी वो जिस तरह एक एक बॉल के ऊपर आखिर में आके जीते हैं। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश से भी इसी तरह जीते थे, साउथ अफ्रीका से वो हार गए थे, जो बाकी छोटी टीम्स थी उनसे वो कॉम्प्रिहेंसिवली जीते, और आज जब उनके टीम मिली तो आप लोगों ने देख लिया कितना वन साइडेड अफेयर हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसलिए भी चाह रहा था कि इंडिया सामने आ जाए क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो जितनी क्लिनिकल खेल रही थी अभी तक उन्होंने दिखाई नहीं। हमने भी पिछले दिनों सीरीज की उनकी बी टीम के साथ की और जिस तरह का वो माइंड सेट के साथ खेल रही है T20, शायद भी और टीम खेल रही हो। इंडिया की सारी परफॉर्मेंसेज जो है वो कारपेट के नीचे जाती नहीं क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने आके इस किस्म की इनिंग्स खेलनी शुरू कर दी थी जिसके अंदर एंड के ऊपर सब कुछ छुप जाता था। जिस तरह के पावर प्ले और जिस तरह के पहले 10-12 ओवर्स इंडिया खेल रहा था वो हमसे भी ज्यादा बुरे थे, हमारे आउट हो रहे थे, इनके आउट ना हो के भी जो है वो चल रहे थे। कोहली सर के लिए अभी भी कोई बुरी बात नहीं करेगा, उन्होंने पाकिस्तान वाला जो मैच था उसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद जितनी भी उसने इनिंग्स खेली वो सब ODI की इनिंग्स खेली। अभी हमारे जितने भी जो क्रिकेट के लेजेंड है वैसे कोहली सर ने स्ट्राइक रेट की एक उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब उनकी बड़ी तारीफें करें, लेकिन निहायत ही बकवास इनिंग्स थी। इस मैच के अंदर सबसे बकवास इनिंग्स कोहली और शर्मा की थी। आई नो कि इस बात के ऊपर बहुत से इंडियंस जो है मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, लेकिन भाई ये सच्ची बात है, आप लोग होंगे जो मर्जी होंगे वो लेजेंड्स होंगे, लेकिन निहायत ही घटिया किस्म की इनिंग्स थी। पिच जिस किस्म की थी और जिस रन रेट के ऊपर ये लोग चल रहे थे, मैं देख के भी कह रहा था कि भाई ये तो 160-170 कोई स्कोर ही नहीं है इस पिच के ऊपर, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। ये तो एंड में पांड्या मेरा पांडू दोस्त जो है उसने आके छक्के वक्के मारे और पता नहीं कितनी स्पीड से उसने रन बनाए, आखिरी 3 ओवर्स के अंदर उसने बचा लिया, अदरवाइज बिल्कुल ही फेस सेविंग नहीं थी। इन्होंने 11 ओवर्स के अंदर ये चेस कर लेना था जो उन्होंने टारगेट देना था। इससे पहले भी जितने मैचेस होते रहे उसके अंदर इसी तरह की इनिंग्स चल रही होती थी, वो सूर्य कुमार आके जो है वो ऐसी इनिंग्स खेल लेते थे जिस वजह से सब कुछ छुप जाता था। आज जब वो जल्दी आउट हो गया तो पीछे से पांड्या के ऊपर सारी बात आ गई थी, उसने भी एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन फिर भी इट वाजंट गुड इनफ। खैर हमारे लिए अच्छा ही है कि इंग्लैंड आगे आ रहा है, आई नो कि वो ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट होगा, लेकिन हमारी जो टीम होती है ना वो ज्यादातर जो प्रेशर है उसके अंदर रह जाती है। इंडिया के साथ खेलते हुए ये मेरी एक बात जो है नोट कर लें, जैसी मर्जी पिच की कंडीशन हो, अगर इस किस्म के ग्राउंड के अंदर आप खेल रहे हो जिधर 80-90 हज़ार ऑडियंस बैठा हुआ हो तो कभी भी इंडिया से खेलते हुए स्पेशली पाकिस्तानी पहले बैटिंग ना करना भाई, जो मर्जी लोग कह रहे हो जो मर्जी पिच कह रही हो, लेकिन पहले बैटिंग ना करना, क्योंकि वो जो क्राउड का जो शोर होता है ना, जो इतने 80 हज़ार लोग इस तरह गोल गुंबद में बैठ के जो शोर मचा रहे होते हैं, उसके अंदर आप कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट के बाद ही जाके थोड़े से यूज टू हो जाते हैं। शुरू के जो 5 से 6 ओवर्स होते हैं ना उसके अंदर पाकिस्तानी बैट्समैन और बैट्समैन वैसे भी जो काम होता है वो बहुत ज्यादा नर्वी किस्म का काम होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतने शोर को अब्जॉर्ब करना और प्रेशर को अब्जॉर्ब करना। सो बेहतर यही है कि आप लोग हमेशा चेस किया करें, जो कि आज इंग्लैंड ने भी किया है, टॉस जीते और उसके बाद इनको कह दिया कि तुम लोग करो, हम जरा यूज टू हो जाए माहौल के और उसके बाद फिर हम आएंगे चेस करने के लिए। आज वही हो रहा था पांड्या, इस वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं कि पूरे क्राउड को कह रहा था कि शोर मचाओ और शोर मचाओ, तालियां पीटो, क्योंकि ये इनका हमेशा से 12th मैन रहा है। और यही सब कुछ माहौल था पहले मैच के अंदर भी, यही प्रेशर होना था फाइनल के अंदर भी, इसी तरह 90% क्राउड इंडियंस का होना था और वो 90 हज़ार लोग बैठे होने थे, तो कम से कम उनसे हमारा छुटकारा हो चुका है। दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया वालों को इंग्लैंड से सख्त तकलीफ है, तो अभी वो जो ऑस्ट्रेलियंस आएंगे फाइनल देखने के लिए वो भी कम से कम पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप के अंदर यही हुआ, तो ये हमें एक थोड़ी सी एज होगी जो कि हमेशा हमारे खिलाफ यूज होती है बड़े मैचेस के अंदर। खैर बिटकॉइन क्या क्रैश हो रहा होगा, जो फाइनल की टिकट की प्राइसेस हैं वो क्रैश हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि इंडियन सब जो है वो बेचने के ऊपर आए हैं कि यार दफा करो, हमने पता नहीं फाइनल का टिकट क्यों ले लिया। स्पेशल शाउट आउट इन लोगों के लिए मैं देना चाहूंगा जो मेरे दोस्त जो है साउथ अफ्रीका की विन के ऊपर इस किस्म की सेलिब्रेशंस कर रहे थे। भाई ये तो बहुत ही बेवकूफी साबित हो गई है। ओह नो, अब ये तो लेजेंड कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ इंडिया शुभम गौर, व्हाट द हेक। मेरे दोस्तों तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग अभी भी ना दोबारा ये वीडियो लगा के इसी तरह हंसते रहो और इसी तरह सेलिब्रेट करते रहो, बल्कि ये नहीं आपको अगर इंडिया के हारने के ऊपर इतनी खुशी होती है तो आप अभी वाला जो मैच है सेमीफाइनल उसकी वीडियो लगा दें और इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। खैर अगर आप लोगों ने देखा होगा जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर कहते रहता हूं कि जब ऐसे मैचेस हो रहे होते हैं ना तो आप सिर्फ उस मैच के लिए नहीं खेल रहे होते, आप अगली जो टीम होती है ना जो रेडी बैठी होती है आपके साथ खेलने के लिए उसके लिए भी एक मैसेज दे रहे होते हैं। इंग्लैंड ने वही मैसेज दिया है इस इनिंग्स के अंदर, जब वो पहले पावर प्ले के अंदर जीत चुके थे, कोई उनके बाद रन अ बॉल के ऊपर बात आ गई थी कि सिर्फ 6 रन पर ओवर ही उन्होंने बनाना था, फिर भी वो छक्के चौके मार रहे थे, रिस्क ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जो वेट कर रहा है, जो हमें देख रहा है, उनको मैसेज चला जाए। ये होता है चैंपियन माइंडसेट जो कि हमारी टीम्स के अंदर मिसिंग होता है, और इसी चीज के ऊपर मैं रोता रहता हूं कि यार मैसेज भी देना होता है। लेकिन मैं एक चीज ये भी बता दूं कि इंग्लैंड वालों को यह समझ नहीं आ रही है कि वो पाकिस्तान को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो खुद नहीं पता कि हम कौन है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि हमारी मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली टीम है, हमें तो ये भी नहीं पता कि उस दिन ग्राउंड के अंदर कौन सी टीम आएगी, तो इंग्लैंड वालों को क्या पता कि किसको मैसेज दे रहे हैं, आज जिसको मैसेज दे रहे हैं अगले दिन कोई और बंदा आया होगा। ये सब चीजें नॉर्मल किस्म के लोगों के ऊपर चलाया करो भाई, हम मलंग टाइप लोग हैं, हमें कुछ पता
नहीं, हमें कोई खैर खबर ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मस्त है। तो खैर कोई जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली हेल्स और बटलर ने यार, कोई मार मार के छक्के, एक ने छक्कों के लोड किया हुआ था, छक्के मार रहा था, दूसरा चौके पे चौके मार रहा था। वैसे अच्छा ही हुआ कि नीचे वाली किसी भी की जो है वो बैटिंग नहीं था, कि उनकी थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस नहीं हुई, सीधा सीधा फाइनल में आएंगे। इनको हमने जल्दी आउट करना, हमारा शाइन तो वैसे भी इनको आउट कर लेगा ना पहले पहले ओवर्स में। खैर पूरे जो हमारे इंडिया के दोस्त है वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम का मजाक उड़ाने में बिजी रहेंगे, जी बाबर आजम की फॉर्म ये है, बाबर आजम ने इसको सेंचुरी मार दी, उसको सेंचुरी मार दी, जिम्बाब्वे के ऊपर सेंचुरी मार दी। अगर जिम्बाब्वे के ऊपर सेंचुरी मारता है वो, तो आप लोग ये भी चेक कर लेंगे सचिन ने कितनी ज्यादा सेंचुरीज मारी हुई जिम्बाब्वे के ऊपर, आप उसको भी जिम्बुलकर बोला करें। खैर फिक्र इन सबको जो है बाबर आजम की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उसको भी ट्रोल करते रहे, उसके बारे में बातें करते रहे, बस अगर किसी की फिक्र नहीं रही तो वो अपने कप्तान की थी जो कि शर्मा साहब हैं, उनकी इससे भी ज्यादा बुरी फॉर्म चल रही थी। एक दफा उन्होंने रन बनाए थे, वो भी ऐसे स्ट्रगल करते हुए छोटी सी टीम के ऊपर रन बनाए थे कि वो उनको खुद भी पता है कि किस्म की इनिंग्स थी। उन्होंने इनफैक्ट खुद ही अपनी पोस्ट मैच के अंदर कह दिया था कि निहायत ही घटिया इनिंग्स है भाई, 50 मैंने मार दी लेकिन बहुत ही घटिया 50 थी। उस मैच में भी आके सूर्या ने ही बचाया था एंडमैन को, आसान खताओं में बिल्कुल बुरी हालत के अंदर पहले मैच के अंदर ही जो है ना जिसकी जितनी भी गैस थी ना वो निकल गई थी, इतना से जोर लगाया था पाकिस्तान से जीतने के बाद जो है, और उसकी फिक्र किसी को भी नहीं क्योंकि फिक्र तो बाबर आजम की है सबको। दूसरा केएल राहुल साहब, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमेशा छोटी टीम के ऊपर बड़ा स्कोर करने में माहिर होते हैं, तो उन्होंने वही किया। मतलब जाहिरी बात है यार इनके रोल रख लो ना, कि जब भी छोटी टीम आए उसके अंदर उसको दे दिया करो टीम के अंदर, अदरवाइज किसी और को रख ले। फिर हर जगह पे जो है वो टॉक्सिक किस्म के फैंस होते हैं, अगर उधर होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं पाकिस्तान उधर, बल्कि ये जो है ये बुमराह की वाइफ है मेरा ख्याल में, गर्लफ्रेंड है मुझे नहीं पता, इनके बारे में किसी ने ये कॉमेंट किया था कि मैम आप इतनी खूबसूरत तो है नहीं तो आपने बुमराह को कैसे पटा लिया। तो इसके ऊपर मैम ने जो उनको जवाब दिया वो कुछ इस तरह है कि खुद जो तुम्हारी शक्ल चप्पल की तरह, उसके बारे में क्या ख्याल है। मतलब यार जबरदस्त, बहुत ही कोई जबरदस्त यार, मतलब ऐसे कोई घटिया किस्म के फैंस सिर्फ इधर नहीं होते उधर भी होते हैं, हर जगह उसी तरह फैले हुए। फिर आज के जो मैच था उसके अंदर वुड भी नहीं था, जो मेरा ख्याल में कोई 160 के ऊपर स्पीडों में बॉलिंग करा रहा था, हम तो उसी से डर रहे थे। दूसरा वो मिलान भी नहीं था, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तुम लोग अगर इंजरी होगी ना तो ये कोई बात नहीं, अभी फाइनल के अंदर भी इंजरी बैठे रहना, ये अभी वहां पे जो मुंह उठा के आ जाएंगे ये थोड़ी कोई बात होगी। वो आज जॉर्डन जो है बेचारा इतना कुट खाता रहा, उसने इसलिए कुट खाई थी कि फाइनल में उसको बाहर बिठा दो यार, उसका हक बनता है, अगर आज उसने छक्के खाए तो कम से कम फाइनल वो ही खेले यार। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हो, सिर्फ एक बंदे ने मुझे ये भेजा है ये वाला क्लिप जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और इसके ऊपर मैंने कहा भी था कि भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लो। ये वो प्रेडिक्शन है जो कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की मैंने की हुई थी, और चेक करो जरा ये कितनी सही साबित हुई। नहीं शाह अफरीदी भी आएंगे, नसीम शाह भी आएंगे, उसके बाद हारिस रऊफ होगा, उसके बाद शेडी होगा, नवाज होगा। मैं कहता हूं भाई बात सुनो, बीच में इफ्ती भी दो चार ले ओवर फेंकेगा, टीम बुरी नहीं है भाई, ये थोड़ा सा एक कोई बंदा है मेरा ख्याल में जो मिडिल ऑर्डर में आएगा, टीम बुरी नहीं है, हमने जो है बिल्कुल इनको गालियां दे दे के ये जो है ना कुछ भी है, जो एशिया कप के अंदर एक दो मैच था मैंने में हार गए उसकी वजह से हम शुरू हो गए, और ऐसे शुरू हुए हैं कि बस इनके जो है वो गालियां देने में बिजी हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कि कोई वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप के भी कम अज कम फाइनल खेलने के और जीतने के भी चांसेस है। हर एक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यार सेकंड राउंड में नहीं जाएंगे, यार मैं कहता हूँ कि जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सेकंड राउंड में, क्या हम पूरा डोमिनेट करके आएंगे और कोई तो फाइनल इशारा खेल के आ जाएंगे। तुम लोग ना इस वीडियो की स्क्रीन शॉट ले लो, हर वक्त वीडियो देख रहे हो तो यार मुझे इंस्टाग्राम पर भेजो कर, मैं तो भूल जाता हूं, इतने मजे की चीज निकली थी, कैसे जो है वो पूरी हो गई ये वाली प्रेडिक्शन जो है, और कितना मजा आ रहा है अभी हम जो है फाइनल के अंदर आ चुके हैं। लेकिन मैं अपना जो इंस्टाग्राम का हैंडल है ना वो नीचे दे रहा हूं यार, नीचे मैंने लिंक भी जो है वो दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उधर मुझे फॉलो कर दो, आप मुझे डीएम कर दिया करो कोई भी चीज होती है, कोई मैसेज वगैरह होता है। तो खैर मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि जो डिविली है ना इसको पकड़ लेना अगर इंडिया जो है रह जाएगा, क्योंकि इसकी सारी प्रेडिक्शन जो है ना वो गलत ही होती है। भाई डिविली की मैंने हाथ जोड़े हैं, तू भाई हमें ना सपोर्ट कर लेना किसी तरह फाइनल, खुद ये रजिस्टर्ड पनौती है साउथ अफ्रीकन टीम जो होती है, खुद अपनी टीम को कभी तूने कुछ जताया नहीं है, तू जो है हमारे बारे में जो है कोई भी किसी किस्म की प्रेडिक्शंस ना कर भाई। खैर बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यार वो मेरा मीम रिव्यू किधर गया, मीम रिव्यू किधर गया, वो मैं इतना किया करता था, और आई नो कि वो मैंने वापस लेके आने, मैंने बहुत से मीम्स जो है वो सेव भी किए हैं, तुम लोग भी बहुत ज्यादा मीम्स मुझे भेजते रहते हो। इस वीडियो के अंदर ये फिर बहुत लंबी हो रही है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो फीचर करना दोबारा से शुरू कर दूंगा। लेकिन कुछ गंदे थंबनेल्स, थर्ड क्लास थंबनेल्स की भी हम बात कर रहे थे, वो भी इतने ज्यादा मुझे आए हुए हैं, तो वो भी मैंने बड़े अच्छे से फीचर नहीं किए, तो ये कुछ नजर ना उनके ऊपर भी डाल लेते हैं। जिम्बाब्वे से शिकस्त, दिल बर्दाश्त और शादाब खान की अस्पताल में मौत, पाकिस्तान टीम पर ऑस्ट्रेलिया में क्यामत टूट पड़ी, शादाब खान की मौत, रमीज राजा ने पाकिस्तानी टीम को जेल में बंद कर दिया, रमीज राजा का बाबर आजम को उल्टा लटकाने का फैसला, इनकी ऐसी की तैसी फेर दूंगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम और फखर जमान की तूफानी बैटिंग सेंचुरी मार दी। अच्छा इसी तरह तस्वीर है, उसके बाबर आजम है भी नहीं, वह हमें शान मसूद है जिसने 80 रन बनाए हुए 19 बॉल्स के ऊपर, और रिजवान ने भी 36 बॉलों के ऊपर 112 रन बना दी, फिर भी पाकिस्तान को जो है वो 24 रन चाहिए 6 बॉलों के ऊपर। यार पता नहीं जालमो न्यूजीलैंड वालों इतना स्कोर कौन करता है यार, रिजवान नमाज तोड़कर नमाजियों के आगे खड़े हो गए, वजह जानकर आप खुश हो जाए, यार वैसे वजह जान के मैं वाकई बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, लेकिन पता क्या ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना उसको भी थोड़ा छू लें, ये सिर्फ जो है देखने के लिए बना हुआ है, ये नहीं कि आप लोग आगे सिर्फ उसको कपड़ा शपड़ा मार के सफाई कर लें, टाकी मारने की चीज नहीं होती, इसको छू लो, सब्सक्राइब कर दो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। वाओ आई रियली लव हिज वीडियो, लाइक सीरियसली बहुत ही अच्छी लॉजिकल बातें करते हैं यार सच में। आई स्टार्टेड दिस वीडियो विद दिस
आई एम एंडिंग इट विद अ स्माइल. सो ही इज़ अ लवली ह्यूमन बींग फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बहुत सारे इनके जैसे CBA आर्मी मौजूद होगी, राइट? आई होप कि जो इंसान प्यारा सा इस वीडियो को देख रहा है वो भी इन्हीं में से एक हो, इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, डजंट मैटर. बस राइवलरी और मिर्ची का चश्मा लगा करके इस मैच को नहीं देखना चाहिए. वो चश्मा उतार दो अगर आपने लगा भी रखा है तो. और अगर कोई पाकिस्तानी अभी खुश हो रहा होगा ना कि इंडिया हार गई थी, बुरी तरीके से हारी है, तो यार फिर आप में काहे की प्यार वाली मोहब्बत वाली तो बात है ही नहीं, हेट्रेड है आपके अंदर. और इंडियन फैंस का वो वीडियो देख करके बहुत बहुत चक्की हो चुकी है, क्योंकि वो लेजिट कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ इंडिया हैं और वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं इंडिया के हारने पे, और ये खुशी जाहिर करके दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अब नहीं आ रहा है फाइनल्स में, तो उस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है. हम इंडियंस की भी इमेज ख़राब होती है इस तरीके के लोगों से, राइट? पर आप मेरे वीडियोज़ को देख लिया करें, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्यार मोहब्बत नहीं, आज हम यहाँ पे इश्क मोहब्बत फैलाने बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं हम फाइनल्स के अंदर, बस ट्रॉफी पाकिस्तान की ही होगी, प्रार्थना यही है भगवान से. क्योंकि क्या पाकिस्तानियों से प्यार अपरंपार है यार, हमारे जैसे दिखते हैं, बोलते हैं, जज्बाती हैं. आई रियली लव दिस फैक्ट कि हम भाई भाई नेशन है, और एक भाई तो चलो पहुंच गया ना फाइनल्स में. कोई भी इंडियन इस वीडियो को दुखी होकर के एंड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं. विद द स्माइल वी हैव टू एंड इट, मुस्कुराहट के साथ. मुस्कुराइए, आप बहुत ही बेहतरीन लगते हैं मुस्कुराते हुए. आप हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने परिवार का, अपना खुद का, सबका ख्याल रखिए. 13 नवंबर का मैच हमें फुल ऑन एंजॉय करना है. वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हाइल वॉचिंग दैट मैच. हम सारे इंडियंस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह. माई फुल फैमिली इज सपोर्टिंग पाकिस्तान दिस टाइम, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. अल्लाह हाफिज.